चलो आगे बढ़ते हैं। हम 1.3 स्टार था, 4 सम हो चुके थे, 9 एबिलिटी के 3 हुए थे, फोर्थ पर चला रास्ता पर वो फोर्थ सम 1 to 100। देखो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है, 1 2 3 4 इस तरह से 100 तक नंबर है। हमने क्या किया, इनमें से एक नंबर से लेंगे, अ नंबर लिखा है ना, अ नंबर के ऊपर एक परी है चाहिए क्या ऊपर, अरे जा एक ऊपर चेयर परी है क्या ऊपर ऊपर यहाँ से जाएगा सीधे बढ़े मिल जाएगी। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 100 लिखा है, आगे क्या लिखा है मेरे और 5। तो इसमें दो बातें हैं, पहले मैं आ जाऊंगा इवेंट ए, अब सोचना इवेंट ए में क्या लिखा है, मल्टीपल ऑफ 3, मैं यहां पर ले रहा हूं मल्टीपल ऑफ 3 राइट, सुन लो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, फिर देखा जल्दी करो 18 18, ऐसे करते 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 लास्ट नंबर जो आपका आएगा 99, लास्ट 99 होगा, सारे लिखो तो ठीक है अदरवाइज यहां तक लिख सकते हैं। अब इसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एम बाय एन, कितने नंबर होंगे आप काउंट करोगे, 33 नंबर होंगे, कहां से है 33, देखो 3 से स्टार्ट से 99 तक, 33 का गैप है, 99 को 3 से डिवाइड करके देखो 33 नंबर आएंगे, या तो काउंट कर लेना तो भी चलेगा ठीक है। 33 टोटल नंबर कितने हैं, 100, अलग फाइव अलग थ्री और फाइव अलग, तो और में मैंने पहले भी करवाया था वो क्या, तो दूसरे वन हाँ वो करेंगे ना, अभी देखो फिर नहीं, 3 एंड सुन 3 एंड 5 लिखा हो ना तो फिर वो 15 के मल्टीपल, अगर एंड लिखा हो, अब यहाँ पर और है तो इवेंट ए इवेंट बी, अब इवेंट बी में कौन से नंबर में लेने वाला हूँ मल्टीपल ऑफ 5, हाँ दोनों कर देते थे ना, बट वहाँ एडिशनल रूल नहीं होता था, वो वहाँ पर सैंपल स्पेस खाली बना, खाली सैंपल स्पेस में आया था, प्रोबेबिलिटी में तो इवेंट ए अलग है इवेंट बी, फिर दोनों को मैं साथ में दिखाऊंगा। अभी देखो मल्टीपल ऑफ 5, तो सोचो मल्टीपल ऑफ 5 में मैं क्या लिखने वाला हूँ, 5 10 15 20, इस तरह से करते करते लास्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लास्ट नंबर 100 ठीक है। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ पर आपका आएगा 20 होंगे, जैसे 100 है और 5 का गैप है तो 20 आ जाएंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, अगर ऐसे समझ में नहीं आओ तो गिन लेना 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 50 तक 10, बाकी के 50 टोटल 20 नंबर हो गए। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या आपको, यस मिलेगा, तो जो कॉमन मिलेगा उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करने वाले हो, देख टोटल 99 तक जाएगा वो तो पता है, अभी यहाँ तो एक तरीका गिन ले 3 6 9 12 4 15 18, यहाँ तो 99 33 का ही गैप है, डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो 33 आता है, 99 डिवाइडेड बाय 3 तो 33, बट एक कंडीशन मेरी याद रखना, ये जो आप डायरेक्ट डिवाइड का रूल अपना रहे हो वो तभी पॉसिबल होता है जब इनिशियल नंबर से स्टार्ट, इनिशियल मतलब जैसे 1 to 100 वाला, अगर मैं आपको कहूँ सपोज नंबर शुरू हो रहा है 200 और आपको जाना है 300 राइट, 200 से 300 और 33 के गैप से जाना है, तो पहला नंबर मान लो होगा 201 204, ऐसे नंबर होंगे, और लास्ट नंबर में भी हो जाएगा 300। अभी कोई कह सर 300 को फिर 3 से डिवाइड करो 100 आएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में 100 थोड़ी नंबर, सर इसमें भी आएंगे तो 33, हां 33 आएंगे, पर ये तो 300 है, 33 कोई सोचे फिर किसको डिवाइड करेगा 300 को, ये तो हमें पता है इनके देख सकते हैं, समझ में आया कैसे मैं कह रहा हूं, यहां 1 से इनिशियल नंबर से तो डायरेक्ट डिवाइड कर लेना, 99 को 3 से डिवाइड करो 33 आ गए, 100 को 5 से डिवाइड करो, अब इनमें कॉमन क्या, ए इंटरसेक्शन बी में, इनमें देखो इनमें और इनमें कुछ कॉमन है क्या, जो
ए यूनियन बी ढूंढना है। ए यूनियन बी मेरा कैसे आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी है 33/100, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20/100 और कॉमन में कितने नंबर है 6/100
डॉट और सम होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। अभी 3 का सम देखिए तो क्या आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 5 आएगा, 1 एक में दो दो नंबर आएंगे, 2 वाले में देखो 2 1 आएगा, 2 4 आएगा, 3 3 आएगा, 3 6 भी आएगा, 4 2 आएगा, 4 5 भी आएगा, फिर इसके बाद 5 की लाइन में आ जाएगा तो 5 1 आएगा, 5 4 आएगा, 6 3 6 6 6 6। आप इनके देखो हर एक में दो दो है, मतलब 6 मतलब 12 नंबर हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसकी अगर मैं दिखाऊं प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी बी मेरे लिए हो गया 12 by 36, राइट। अब हमें देखना है क्या इनमें कॉमन है, क्या कितने कॉमन है, कॉमन को हम किसमें से दिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन दिखा है 1 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है तो देखो 1 1 दोनों में क्या 1 5 1 5 देखो कॉमन जब भी देखना हो ना तो छोटी वाले में से देखो इजी लगता है। 2 4 ये 1 2 इसमें नहीं है, इसके बाद 1 5 है, 2 1 ऊपर है क्या, 4 नहीं है, 2 4 है, 2 4 3 3 2 4 फिर 4 3 4 2 3 3 फिर 4 2 आ गया, 5 1 5 1 फिर 6 6 6 6। सब में एक एक नंबर है, सब में एक एक 6 नंबर हो गए, मतलब आपके 6 नंबर कॉमन है, तो 6 by 36। अब मुझे फॉर्मूला लगानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो, ए की हमने कितनी निकाली है, 8 by 36। सबका सेम है ना, बाद में तो शॉर्ट में करे 1 by 2, इसका भी इसका 1 by 2 नहीं होगा या किसको टेबल नहीं लगे तो फिर प्रॉब्लम, इससे बाद में फाइनली वो करना ज्यादा बेटर। और किसका आया था 18 का, इसके बाद आया था 12 by 36 और 6 by 36। अब क्या होगा देखो, बेस सबका सेम है तो डायरेक्ट प्लस माइनस होगा, 18 12 30 30 में से 6 माइनस किया 24 by 36 होगा, टेबल लगेगी तो 2 by 3 हो जाएगा, टेबल लग जाएगी, 1 2 नीचे 3 डाउन आ जाएगा, राइट। आया ध्यान में, कर लो जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल, लिख 3 मार्क चाहिए ना तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सम पे आते हैं, नेक्स्ट सम हमारा 6 नंबर सम होगा, प्राइस बढ़ जाए। पहले क्या देखा है, पोटैटो की प्राइस बढ़ी, वो हमने ए ले लिया, ऑनियन
की प्राइस बढ़ी उसको बी ले लिया, दोनों की प्राइस मतलब दोनों की प्राइस बढ़ जाए तो ए भी बढ़ा बी भी बढ़ गया। अब हमें ढूंढना क्या है, ए यूनियन बी ढूंढना है। एटलीस्ट जब पहले ना तो ए यूनियन बी, तो उसकी फॉर्मूला आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी थी 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.6 तो आपका आएगा 0.9। फाइनल पीछे आंसर चेक कर लो, 0.9 है, 0.9 है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसका नाम क्या है दीपक? ठीक है, क्वेश्चन पूछा था उसके लिए वर्ड क्या निकाला? एटलीस्ट वन ऑफ द टू। मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके पीछे रीजन बता रहा हूँ। फर्स्ट लिखा है ना,
से भी गिरा, इसमें से भी गिरा, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हो, वो कितना है 0.63। ओके फिर ओके, अब एक बम भी गिरेगा तो ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाएगी एक बार से ना, वो मेरा अलग था, वो क्वेश्चन अलग है, मैंने वो उसको पूरा नहीं पढ़ा, तो एक बम में भी ब्रिज क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। फिर तो इसमें भी आपसे वर्ड एटलीस्ट ही पूछा गया है, कैसे एटलीस्ट वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, आपको क्या कहा है, एक बम चाहिए ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के, लिखा है ना, सोचो अगर एक बम गिरा ब्रिज डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, दो भी गिरे तो भी तो डिस्ट्रॉयड होगी ना, तो नहीं बट दूसरा भी उसके साथ ही गिरा मतलब तो भी ब्रिज तो डिस्ट्रॉयड होगी ना, दोनों के दोनों, मतलब एक भी चलेगा या एक से ज्यादा भी चलेंगे, दोनों के दोनों बम पहले ब्रिज पे गिरे ना, लॉजिकल है, एक ही टारगेट को दो दो लोग हिट करते हैं, टारगेट तो डिस्ट्रॉयड हो गया ना, मतलब एक का लगाया दूसरे का लगा, तो हमें यहाँ भी क्या ढूंढना है, एक यूनिट भी ढूंढना है, एक की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, उनकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और माइनस करेंगे उसमें से 0.63, 9 और 7 हो जाएगा 1.6, उसमें से 0.63 माइनस कर लो तो 0.97 आपका आंसर आ गया, सही है। एटलीस्ट जब भी पूछा होगा वो यूनिट, हाँ एटलीस्ट पूछेंगे, या सपोज ऐसा बता दें कि एक बम डिस्ट्रॉय करने के लिए सफिशिएंट है, तो अगर दोनों के लिए तो भी तो ब्रिज टूट ही जाएगा, दैट मींस क्या हुआ, ए यूनिट बी पूछा है, एट मत पढ़ना अभी, हाँ कोमल नेक्स्ट वाला, दो मिनट भाई रुको, दो मिनट, हाँ एक मिनट रुक गया, वीडियो में रुको एक मिनट, नहीं तो खाली खाली चलेगा, उल्टा है वही, बट समझा मैं, एक मिनट चलो रुको, एक ट्राई करके देखते हैं, मुझे मिस्टेक है इसके आंसर में, इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब इसके थ्योरी को उल्टा कर देना पड़ेगा, फिर चलो ठीक है पढ़ो, मैं समझा रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, देखो करवा रहा हूं, कुछ मिस्टेक है बाद में कर लेंगे हम, चलो ठीक है, 8 तो छोड़ दिया, ये 9 पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू
नहीं नहीं ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने ये अभी मैं कहूँगा प्रोबेबिलिटी जी की वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी आप ए डिवाइडेड बाय, इसको मत देखो, ये मैंने क्या किया टू हटाते ही दिया, टू मल्टीप्लाई का डिवीजन में ले लिया। अभी मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ से, जैसे कि एग्जॉस्टिव इवेंट है यहाँ मैं लिख देता हूँ एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टेड इवेंट है मतलब इन दोनों का टोटल तो वन होगा। अभी मैं आपसे ए की प्रोबेबिलिटी पूछूंगा आप उसके जगह पे ए ही रख, और अगर मैं b की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ तो आप b के जगह क्या रखने वाले हो, p of a divided by 2, क्योंकि आपको पता है b की प्रोबेबिलिटी है। इतने में कोई डाउट आया? अब बेस सेम करें, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर अच्छा इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय 2। कोई भी डाउट? पहले यहां तक बेस सेम किया मैं, इक्वल टू 1, अब ये 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ a और ये 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। 2 डिवीजन का है, मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहां पर आपका रहेगा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1 इनटू 2, 1 इनटू 2 मतलब ये 2 हो गया, फिर 3 मल्टीप्लाई का डिवीजन में आ गया, मतलब मुझे मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 2 है। क्या ढूंढने के लिए कहा? प्रोबेबिलिटी a की भी a मिल गया है, बट अगर b ढूंढने के लिए कहा है तो a के जगह ये रख दो तो आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी। समझ में आ गया कैसे किया? क्लियर? जल्दी से कर लो। अब 10 नंबर सम शुरू कर रहा है, उसमें लिखा हुआ है थ्री इवेंट ए एम बी एंड सी आर सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, एग्जॉस्टिव मतलब तीनों का टोटल करने से वन आएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमें ढूंढना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और बी यूनियन सी, मतलब मुझे अलग अलग ए बी सी मिल जाए तो बेटर। अब सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, ये तीन इवेंट है, मुझे क्या करना है इन तीनों को किसी भी कॉमन में कन्वर्ट कर देना है, मतलब ए को या तो बी में कन्वर्ट कर लो, अगर आप ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सी को भी बी में कन्वर्ट, किसी भी एक में करना है, या ए में करो या बी में करो, मैं सबको बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सबको बी में, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर देखो 4 probability of A equal to 5 probability of B, और ये 4 multiply का division में ले लिया तो यहाँ जाएगा probability of A equal to 5 probability of B divided by 4। तो अभी आपसे कोई पूछेगा A की probability तो आप क्या बताओगे, B form में बताओगे probability of B divided by 4, तो आपने A की probability को B में convert किया, same C को भी B में convert किया, सी को भी कर रहा हूं ऐसे लिखूंगा 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब 3 मल्टीप्लाई का डिवीजन में जाएगा तो यहां आ जाएगा 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने सी को भी बी में कन्वर्ट कर दिया, ए को भी बी में कन्वर्ट कर दिया, बी खुद ही बी है, राइट। तो अब मुझे यह पता है कि ये जो इवेंट है ना एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि तीनों का टोटल करने से आएगा, तो probability of a plus b plus c equal to 1, कितना क्लियर? अभी a को हमने b में convert किया, तो जहाँ पर probability a है, वहाँ मैं क्या लिखूँगा 5 probability b divided by 4, b तो b में है ही है, तो उसके लिए same रखो probability b, और c को भी मैंने b में किया है, c में लिखा है 5 probability b, 5 probability b divided by 3 डाउट किसी को? अब सबकी बेस सेम होनी चाहिए, मतलब सबका बेस सेम होना चाहिए, सबका बेस
आपके इन सबका टोटल होगा 15 और 12 27 27 और 20 47 यहां हो जाएगा 47 प्रोबेबिलिटी p डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 12 डिवीजन का मल्टीप्लाई में आएगा और यहां रह जाएगा 47 प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू 12 सो प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 47 इसको फ्रैक्शन में रखो एज इट इज अच्छा है पॉइंट मत 12 डिवाइडेड बाय 47 p किया अभी a के और c की भी ढूंढनी है तो a के कैसे मैं ढूंढूंगा देखो मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय 4 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ a की वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a ढूंढ रहा हूं 5 प्रोबेबिलिटी b की कितनी आई है 12 डिवाइडेड बाय 47 और यहां पर डिवीजन में और क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है ये 5 बाय 4 तो था और b की प्रोबेबिलिटी 12 बाय 47 तक थी 4 के टेबल में यहां 12 को 3 टाइम लगा हुआ 5 3 का 15 15 डिवाइडेड बाय 47 आएगा 15 डिवाइडेड बाय 47 क्लियर हुआ अभी मैं आ रहा हूं c की प्रोबेबिलिटी c में क्या लिखा हुआ है मेरे लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ c इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ b डिवाइडेड बाय 3 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ c डिवाइडेड बाय 3 तो ये 5 रख दिया प्रोबेबिलिटी b की कितनी आई है 12 बाय 47 ये 12 बाय 47 और यहां पर 3 है 3 की टेबल लगा देंगे 12 को 4 टाइम लगेगी 4 5 का 20 इसका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 47 एक बार नोट भी कर लेना a b c तीनों मिला के टोटल 1 होना चाहिए चेक करो ये 15 है और ये 12 47 डिवाइडेड बाय 47 मतलब 1 राइट आया ध्यान में अभी हमें ढूंढना क्या है ये तो हमने वर्किंग कर ली है जो भी क्या वर्किंग की है हमें ढूंढने के लिए इन्होंने कहा है आप ढूंढो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन c ढूंढो तो यहां मैं ढूंढूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन c अब a यूनियन c कैसे ढूंढूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ c राइट a की प्रोबेबिलिटी मुझे पता है 15 बाय 47 और c की पता चली अभी 12 बाय 47 c की है नहीं c की है 20 बाय 47 इसका आया 15 बाय 47 और इसके आगे 20 बाय 47 20 और 15 हो जाएगा 35 बाय 47 हो गया उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी जो पूछा है कर सकते हैं a यूनियन c तो वो भी कर लेना a यूनियन c तो ये था b यूनियन c वो खुद कर लेना हां हां ना चलेगा चलेगा वो यार है और एक फार्मूला बेस है पूरा फार्मूला बेस है फार्मूला में वैल्यू रखेंगे आ जाएगा सुन लो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया था a यूनियन b सिखाया था क्या फार्मूला दिया a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन कॉमन होता है तो माइनस करना पड़ता है बट अगर याद रखना ये तो दो इवेंट थे a यूनियन b तीन हो तो बहुत बड़ी फार्मूला बन जाती इसके लिए तीन का पूछते नहीं है और अगर पूछते भी है ना तो सारे डेटा दे देते हैं खाली फार्मूला में वैल्यू रख के हमें करना होता है इसके फार्मूला आप देखना तीन इवेंट की भी आपको फार्मूला दी गई है a यूनियन b यूनियन c के लिए अगर तीन इवेंट हो तो उनकी फार्मूला किस तरीके की आएगी आपको देखना है तो वो आपको मिलेगी फार्मूला पेज नंबर 27 पे आ जाओ 27 पे आ जाओगे ना वहां पर ऊपर हाँ ऊपर से पहले देखो ऊपर पहली फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रही है a यूनियन b की उसमें ऐसा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b मिली बट ये टू इवेंट की है बट थ्री इवेंट की हो तो मैं बोर्ड पे मुझे लिखवाना लो अनुष्का ये मुझे फॉर्मूला थ्री इवेंट की लिखवाना और मैं समझाता भी हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है तीन इवेंट है दो का तो लॉजिक पता चल गया बट तीन का देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c तो
पहला काम ऐसा होगा probability of A plus probability of B plus probability of C, फिर intersection उसमें से minus होगा intersection, ठीक है? और intersection में जाएगा पहले probability of A intersection B minus probability of A intersection C, A आगे पीछे हो सकते हैं, minus B probability of नोट करना है, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों में तीनों इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन हो तो यहां भी कट गया दो दो बार कट गया तो यहां पर जो तीनों में कॉमन हो ना वो वापस प्लस होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्योंकि जो तीनों में कॉमन है तो वो ए और बी में तो कॉमन आया यहां आपने माइनस किया ए और सी में भी माइनस किया और बी और सी में भी माइनस किया तो यहां तीन तीन बार वो नंबर कट गया इसके लिए जो कॉमन है सब में वो तो इसमें 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 तीन बार कर चुका है तो एक बार तो आना चाहिए हाँ वो एक बार तो आना चाहिए तो इसके लिए वापस उसको क्या किया कॉमन वाला प्लस कर दिया आप वो नंबर रख के करके देखोगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा यूनियन से बना ना कोई भी उसमें ए बना ना बी बना ना सी बना और फिर कुछ कॉमन लेना सब और तीनों में भी कुछ कॉमन है नहीं यार बहुत लंबा हो जाएगा अभी इसमें ये सब में भी आपको नहीं देंगे सीधे सीधे डेटा ही देंगे आप मुझे इस फॉर्मूला मिल गई ना सीधे डेटा होंगे खाली मैं रख दिया बताओ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है 65 फिर प्रोबेबिलिटी बी की 49 फिर 0.25 फिर ये 1 माइनस
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कोई डाउट यहां पर आज तक क्लियर सबके लिए? अब देखो हमें ये प्रोबेबिलिटी पी है यहां पर 2 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहां इसको पहले मैं सॉल्व भी कर लूं तो ये 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये किसकी वैल्यू है पी की। अगर मुझसे कोई पूछे पी की वैल्यू तो मैं कह सकता हूं 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर? अब देखो मुझे पता है तीनों एग्जॉस्टिव है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी सी अपॉन में 3 प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू 1। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी तो ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं ए ही रख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ए, और जो बी की प्रोबेबिलिटी है उसके जगह मैं रख रहा हूं माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 3, और प्रोबेबिलिटी सी तो पता ही है 0.2 है इक्वल टू 1। राइट, पहले तो 0.2 उस साइड ले लो भाई, तो वो हो जाएगा 0.8 मतलब 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, और यहां पर इसके बेस में 3 है इसका बेस खाली पड़ा है तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्रोबेबिलिटी divided by 3 plus 2 minus 2 probability of A divided by 3। अब देखो A सेम हो तो दोनों को साथ में रख सकते हैं तो मैं साथ में रख रहा हूं, देखो ये 3 है, अब ये है 3 probability of A और ये 2 probability of A minus हो गया तो बाकी यहां पर क्या रहेगा 1 probability of A मतलब probability of A रहेगा और plus का 2 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस हो गया तो खाली प्रोबेबिलिटी ए रहा, और इक्वल टू इस साइड क्या रहने वाला है 0.8, ये 3 है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 2.4, यहां पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 इक्वल टू 2.4 कैसे आया 3 डिवीजन का मल्टीप्लाई में चला गया, अब 2 प्लस का माइनस में आ गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया मुझे 2.4 माइनस 2 0.4। अब मुझे ए की प्रोबेबिलिटी मिल गई, बी की तो ढूंढना आसान हो गया क्योंकि ये बी की तो लिखी हुई है ना, कैसे रखेंगे देखो प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 2 माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.4 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने वैल्यू रख दी उसमें, अब इन 2 इसको 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर माइनस किया 0.8 आएगा सर डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 3, अभी 2 में से 0.8 माइनस किया तो 1.2 डिवाइडेड बाय 3, 1.2 को 3 से डिवाइड कर लो तो मेरा आंसर आएगा 0.4, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई 0.4, बी की भी 0.4, हां दोनों इक्वल ही है बट सी की तो हमें पहले ही पता थी 0.2। अब जो ढूंढना हो ए यूनियन बी, बी यूनियन सी जो भी ढूंढना आप कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, अभी तो रुकूंगा ही ना, अभी वीडियो ही खत्म हो गया, 50 मिनट का है।